चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सोशल म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड कंपनी के जांच के आदेश। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार और उनकी पत्नी की कंपनी के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। काले धन को वैध करने का आरोप लगा है। 2017 में पूर्व मुख्यमंत्री के रहे सलाहकार और उनकी पत्नी की कंपनी की जांच के आदेश दिए गए हैं। फर्जी तरीके से हजारों लोगों के पैसे RDFD में जमा करके वैध दिखाया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाया गया है। तो पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं जिनकी कंपनी के जांच के आदेश फिलहाल दे दिए गए हैं। काले धन को वैध करने का इन पर आरोप लगा है और बताया जा रहा है कि फर्जी तरीके से हजारों लोगों के पैसे RD और FD में जमा करके उसे वैध दिखाया गया था, जिस पर अब ये कार्रवाई होनी है। तो 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सोशल म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड कंपनी के जांच के आदेश दिए गए हैं। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत जी, पहले जानना चाहेंगे क्या कुछ ये पूरा मामला था? देखिए ऐसी करीब 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और इसमें खानपुर से निर्दलीय विधायक हैं उमेश जयकुमार। उन्होंने इस बात की शिकायत मुख्यमंत्री से की थी। पहले भी वो इस मामले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के गए थे। तो उनका आरोप ये है कि 50,000 लोगों की FD RD जो थी उनके हिसाब से, तो लोगों के नाम FD RD खाते खोले गए और इन खातों में 20,000 से 50,000 रुपए तक निवेश दिखाकर बहुत सारे लोगों के काले धन को वैध किया गया जी। और शुरुआती दौर में जिस तरह का पता चल रहा है कि उनके जितने भी डायरेक्टर और जितने भी उस कंपनी में पदाधिकारी थे, सब वो पूर्व सलाहकार जो थे पूर्व मुख्यमंत्री के, उनके रिश्तेदार थे। पूरी कंपनी उनकी घरेलू कंपनी डोमेस्टिक कंपनी हो गई थी और इसमें जितना भी धन जमा किया गया वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए किया गया और फिर उन सभी लोगों के खाते से ये सब पैसा निकाल लिया गया। आरोप ये भी है कि वर्ष 2017 से 2020 तक कंपनी में 200 करोड़ रुपए से जो अधिक FD के रूप में जमा की गई थी वो अलग अलग नामों से खाते खुले और पड़ताल जब की गई तो इसमें पता चला कि कई लोग हैं भी नहीं, वो जीवित भी नहीं है। तो ये मामला बहुत ही संगीन है और मुख्यमंत्री ने इस मामले को आर्थिक अपराध शाखा जो EOW होती है उसको दे दिया है, CBCID के हवाले कर दिया है। तो अब इसमें जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ये मामला पॉलिटिकल रंग भी ले सकता है क्योंकि जो पूर्व सलाहकार KS कुमार है उनकी पत्नी का जिनका नाम आ रहा है तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के एडवाइजर थे मुख्यमंत्री रहते हुए, औद्योगिक विकास के एडवाइजर थे। और अब अगर ये सुई बहुत ये जांच बहुत आगे बढ़ेगी, सुई किसी और की तरफ घूमेगी तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हो सकता है क्योंकि ये त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इससे मतलब आहत हो सकते हैं क्योंकि उनके वो सलाहकार रहे हैं। जी जी, चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए अजीत जी। तो जांच की आंच कहां तक पहुंचती है ये भी देखने वाली बात है। काले धन को वैध करने का इन पर आरोप लगा है, अब जांच के आदेश जब दे दिए गए हैं तो कहां तक ये जांच जाती है और किस किस का नाम आ सकता है इस पर, क्योंकि पॉलिटिकल एंगल भी आगे आने वाले समय में ये पूरा मामला ले सकता है जैसे कि अजीत जी बता रहे थे। तो अब देखने वाली बात है किस किस तक जो जांच है वो जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है जिसमें अवैध मनी को वैध दिखाया गया और 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पूर्व CM के सलाहकार की कंपनी की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।